उत्तर प्रदेश के ऊर्जावान कर्मयोगी मुख्यमंत्री श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी, सद्गुरु आचार्य श्री स्वतंत्र देव जी महाराज, संत प्रवर श्री विज्ञान देव जी महाराज, केंद्र में मंत्रिपरिषद के मेरे साथी और इसी क्षेत्र के सांसद श्री महेंद्रनाथ पांडे जी, यहीं के आपके प्रतिनिधि और योगी जी सरकार में मंत्री श्रीमान अनिल राजभर जी, देश विदेश से पधारे सभी साधक व श्रद्धालुगण, भाइयों और बहनों, उपस्थित सभी साथियों, काशी की ऊर्जा अक्षुण तो है ही, ये नीत नया विस्तार भी लेती रहती है। कल काशी ने भव्य विश्वनाथ धाम महादेव के चरणों में अर्पित किया और आज विहंगम योग संस्थान का ये अद्भुत आयोजन हो रहा है। इस दैवीय भूमि पर ईश्वर अपनी अनेक इच्छाओं की पूर्ति के लिए संतों को ही निमित्त बनाता है। आप जब संतों की साधना पुण्य फल को प्राप्त करती है तो सुखद संयोग भी बनते ही चले जाते हैं। आज हम देख रहे हैं अखिल भारतीय विहंगम योग संस्थान का 58वां वार्षिकोत्सव, स्वतंत्रता आंदोलन में सदगुरु सदाफल देव जी की कारागार यात्रा के 100 वर्ष और देश की आजादी का अमृत महोत्सव, ये सब हम सब एक साथ इनके साक्षी बन रहे हैं। इन सभी संयोगों के साथ आज गीता जयंती का पुण्य अवसर भी है। आज के ही दिन कुरुक्षेत्र की युद्ध की भूमि में जब सेनाएं आमने सामने थी, मानवता को योग, अध्यात्म और परमात्मा का परम ज्ञान मिला था। मैं इस अवसर पर भगवान श्री कृष्ण के चरणों में नमन करते हुए आप सभी को और सभी देशवासियों को गीता जयंती की हार्दिक बधाई देता हूं। भाई और बहनों, सद्गुरु सदाफल देव जी ने समाज के जागरण के लिए विहंगम योग को जन जन तक पहुंचाने के लिए यज्ञ किया था। आज वो संकल्प बीज हमारे सामने इतने विशाल वटवृक्ष के रूप में खड़ा है। आज 5101 यज्ञ कुंडों के विश्व सातवें वैदिक महायज्ञ के रूप में इतने बड़े सह योगासन प्रशिक्षण शिविर के रूप में, इतने सेवा प्रकल्पों के रूप में और लाखों लाख साधकों के इस विशाल परिवार के रूप में हम उस संत संकल्प की सिद्धि को अनुभव कर रहे हैं। मैं सद्गुरु सदाफल देव जी को नमन करता हूं
उनकी आध्यात्मिक उपस्थिति को प्रणाम करता हूं। मैं स्वतंत्र देव जी महाराज और विज्ञान देव जी महाराज का भी आभार व्यक्त करता हूं, जो इस परंपरा को जीवंत बनाए हुए हैं, नया विस्तार दे रहे हैं। और आज एक भव्य आध्यात्मिक भूमि का निर्माण हो रहा है, मुझे उसके दर्शन करने का अवसर मिला। जब ये पूर्ण हो जाएगा तो न सिर्फ काशी के लिए लेकिन हिंदुस्तान के लिए एक बहुत बड़ा नजराना बन जाएगा। हमारा देश इतना अद्भुत है कि हां, जब भी समय विपरीत होता है, कोई न कोई संत विभूति समय की धारा को मोड़ने के लिए अवतरित हो जाती है। ये भारत ही है जिसकी आजादी के सबसे बड़े नायक को दुनिया महात्मा बुलाती है। ये भारत ही है जहां के राजनीतिक आंदोलन के भीतर भी आध्यात्मिक चेतना निरंतर प्रवाहित रही है। और ये भारत ही है जहां साधकों की संस्था अपने वार्षिकोत्सव को आजादी के अमृत महोत्सव के रूप में मना रही है। साथियों, यहां हर साधक गौरवान्वित है कि उनके पारमार्थिक गुरुदेव ने स्वाधीनता संग्राम को दिशा दी थी, असहयोग आंदोलन में जेल जाने वाले पहले व्यक्तियों में संत सदाफल देव जी भी थे। जेल में ही उन्होंने स्वर्वेद के विचारों पर मंथन किया, जेल से रिहा होने के बाद उसे मूर्त स्वरूप दिया। साथियों, सैकड़ों साल के इतिहास में हमारे स्वाधीनता संग्राम के कितने ही ऐसे पहलू रहे हैं जिन्होंने देश को एकता के सूत्र में बांधे रखा। ऐसे कितने ही संत थे जो आध्यात्मिक तप छोड़कर आजादी के लिए जुटे। हमारे स्वाधीनता संग्राम की ये आध्यात्मिक धारा इतिहास में वैसे दर्ज नहीं की गई जैसे की जानी चाहिए थी। आज जब हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, इस धारा को सामने लाना हमारा दायित्व है। इसलिए आज देश आजादी की लड़ाई में अपने गुरुओं, संतों और तपस्वियों के योगदान को स्मरण कर रहा है, नई पीढ़ी को उनके योगदान से परिचित करा रहा है। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.